हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेस का एक सम देख रहे हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एसएन इज क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर गिवन है। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, a1 क्या होगा, सम ऑफ द सेकंड टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा वो फाइंड, सेकंड टर्म क्या होगी वो फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म क्या है वो भी फाइंड आउट करना है, ए टेंथ टर्म फाइंड आउट करना है और ए एन एंथ टर्म भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एस वन इज इक्वल टू क्या होता है, ए वन इज इक्वल टू एस वन होता है। तो एस वन यानी कि यहाँ पे एन है, एन की प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, वन पुट करेंगे। तो फोर ब्रैकेट में वन माइनस वन का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, फोर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन ही होगा, फोर वन जब फोर, फोर माइनस वन यानी कि क्या मिलेगा, थ्री। तो ए वन इज इक्वल टू क्या मिला हमें, थ्री मिलेगा। अब S2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो n की प्लेस पर 2 पुट करना है, माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 टू जा 8 माइनस 4, तो S2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। और A2 क्या फाइंड आउट, A2 इज इक्वल टू क्या होता है, S2 माइनस S1। यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला है कि an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 होता है। तो एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एन माइनस वन यानी कि S2 माइनस S1, S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3, A2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। अब आपको A3 फाइंड आउट करना है, तो A3 के लिए हम S3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। S3 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 12 माइनस 9 यानी कि क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ पे A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, तो 3 माइनस S2 कितना है 4 यानी कि माइनस 1, A3 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 1। अब यहाँ पे हम D फाइंड आउट कर लेते हैं, तो D इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना मिला है 1, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2, डिफरेंस कितना है माइनस 2। तो A10 के लिए तो an इज इक्वल टू क्या होता है A+(n-1)D, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस n, 10 माइनस 1 डिफरेंस कितना है माइनस 2, तो 3 प्लस 9 ब्रैकेट में माइनस 2, 9 टू जा कितना 18 होगा, तो 3 माइनस 9 टू जा तो 15 मिलेगा, क्या A10 इज इक्वल टू 15 होगा। और n टर्म फाइंड आउट करना है, तो n के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू A+(n-1)D, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट कोई रखनी ही नहीं है, d की वैल्यू क्या माइनस 2, क्या पुट करो तो 3 प्लस माइनस 2 इंटू n करोगे तो माइनस 2n, माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या होगा 5 माइनस 2n, जो आपको an की वैल्यू मिले। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।